अभी हमने इसके पहले देखा था अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों एनोमर्स थे। और अब ये जो एनोमर्स हैं इनके हम साइक्लिक पायरानोज स्ट्रक्चर बना लें, पायरानोज स्ट्रक्चर ये हमको बनाने हैं अल्फा एनोमर का भी और बीटा एनोमर का भी। तो पायरानोज स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं? तो पायरानोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है पायरन, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है पायरन। सिक्स मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स मेंबर रिंग है और इसी को हम बोलते हैं पायरन। और इसी पायरन के बेसिस पे पायरानोज स्ट्रक्चर बनेंगे किसके, अल्फा डी ग्लूकोज का भी और बीटा डी ग्लूकोज का भी। कैसे? ये जो पायरानोज स्ट्रक्चर है इसको हम अपनी सुविधा के लिए कुछ इस तरह से लेते हैं। अभी भी वही ऑक्सीजन ये है एंड फाइव प्लेसेस पर कार्बन है, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन की टू वैलेंसी कंप्लीट है। ये कार्बन है, कार्बन को नंबर दे दें, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, एंड टेट्रा वैलेंसी शो कर देते हैं, 1 2 3 4 4 4 4 एंड 4, 1 2 3 4, 4 वैलेंसीज हैं। फर्स्ट कार्बन, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्बन हमारा ये है, इसके साथ एच ओ एच है तो हम इसको लिखेंगे एच और ये होगा ओ एच। सेकेंड कार्बन, ये सेकेंड है एच ओ एच तो ये एच हो गया, ये ओ एच हो गया। थर्ड कार्बन ओ एच एच तो ओ एच अंदर जाएगा, एच यहाँ पर आएगा। फिफ्थ कार्बन, ये एच है तो फिफ्थ कार्बन के लिए हमने एच लिया, एंड ये पूरा सी एच टू ओ एच है पूरा, तो हमने यहाँ दे दिया सी एच टू ओ एच। सॉरी थोड़ा सा चेंज हुआ, फर्स्ट कार्बन एच ओ एच, सेकेंड एच ओ एच, थर्ड ओ एच एच, फोर्थ ये एच ओ एच, फोर्थ ये, इसमें हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया था। फोर्थ कार्बन एच ओ एच, फिफ्थ कार्बन हमारा ये है, इसमें एच है एंड सी एच टू एच है, तो एच हम अंदर दे दें और सी एच टू एच को बाहर दे। तो इस तरह से ये हमारा अल्फा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ पायरानोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में, अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरानोज, इसे हम ग्लूको पायरानोज भी बोल सकते हैं। और ऐसा ही हम बीटा के लिए बना लें, सेम इसी फॉर्म में हमारा बीटा के लिए भी बन जाएगा। बीटा में चेंज कहाँ आएगा उस चीज को देखेंगे आप। ये जो एच ओ एच है इसमें सिर्फ यहाँ ओ एच और यहाँ एच होगा, बाकी रेस्ट पार्ट एज इट इज होगा, ओ एच और ये एच, यहाँ ये ओ एच, ये एच, यहाँ ये एच और ये सी एच टू ओ एच, ये एज इट इज हमारा चलेगा। इसे हम बोलेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज। तो इस टाइप से हमारे ये टू एनोमर्स के पायरानोज स्ट्रक्चर बन गए। थैंक यू।